जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदी रेल मार्ग पर से कन्याकुमारी बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल संगमम साप्ताहिक एक्सप्रेस का भव्य शुभारंभ हो चुका है। ये इस रेल मार्ग की पहली नई ट्रेन है जो सीधे दक्षिण भारत को उत्तर भारत से और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अब नियमित रूप से जोड़ने जा रही है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, ट्रेन नियमित रूप से कब से चलेगी, किस प्रकार चलेगी, समय सारणी क्या रहेगी, कोच कंपोजिशन वगैरह, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कल 17 दिसंबर को कन्याकुमारी बनारस कन्याकुमारी काशी संगमम साप्ताहिक एक्सप्रेस का भव्य शुभारंभ वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करने पहुंचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है। उद्घाटन विशेष वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आप लोगों को इस ट्रेन में यात्रा वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर अपना वोट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये ट्रेन आगामी 24 दिसंबर से बनारस से शुरू होगी और हफ्ते के सिर्फ एक दिन रविवार को चला करेगी। वहीं 28 दिसंबर से कन्याकुमारी से शुरू होगी और हफ्ते के सिर्फ एक दिन गुरुवार को चला करेगी। ट्रेन की नियमित समय सारणी इस प्रकार है। देखिए ट्रेन नंबर 16367 कन्याकुमारी बनारस काशी तमिल संगमम साप्ताहिक एक्सप्रेस ये कन्याकुमारी से रात 8:30 पर चलकर नगरकोइल जंक्शन 8:50 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट लेकर 8:55 पर रवाना होगी। तिरुनेलवेली 9:20 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट लेकर 9:25 पर रवाना होगी। विरुधुनगर 12:03 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 12:05 पर रवाना होगी। मधुरई जंक्शन 1:05 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट लेकर 1:10 पर रवाना होगी। डिंडुगुल जंक्शन 2:02 पर पहुंचेगी और 3 मिनट का हॉल्ट लेकर 2:05 पर रवाना होगी। तिरुचियापल्ली जंक्शन 3:20 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट लेकर 3:25 पर रवाना होगी। तंजावुर जंक्शन सुबह 4:10 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 4:12 पर रवाना होगी। कुंभकोणम 4:44 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 2:46 पर रवाना होगी। मयिलादुथूर 5:28 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 5:30 पर रवाना होगी। सिरकाजी 5:53 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 5:55 पर रवाना होगी। चिदम्बरम 6:10 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 6:12 पर रवाना होगी। कुंडलोर पोर्ट जंक्शन 6:39 पर पहुंचेगी और 1 मिनट का हॉल्ट लेकर 6:40 पर रवाना होगी। विल्लुपुरम जंक्शन 8:25 पर पहुंचेगी और 15 मिनट का हॉल्ट लेकर 8:40 पर रवाना होगी। चेंगलपट्टू 10:20 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट लेकर 10:25 पर रवाना होगी। कांचीपुरम 11:08 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 11:10 पर रवाना होगी। आर्कोडम 11:48 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 11:50 पर रवाना होगी। पेम्बूर दोपहर 12:40 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट लेकर 12:45 पर रवाना होगी। और 4 बजे गुदुर जंक्शन पास करते हुए नेलोर 4:04 पर पहुंचेगी और 1 मिनट का हॉल्ट लेकर 4:05 पर रवाना होगी। ओंगोल शाम 5:18 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 5:20 पर रवाना होगी। तिनाली जंक्शन 6:48 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 6:50 पर रवाना होगी। विजयवाड़ा जंक्शन 7:50 पर पहुंचेगी और 10 मिनट का हॉल्ट लेकर 8:00 रवाना होगी। खम्मम रात 9:30 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 9:32 पर रवाना होगी। वरंगल 11:05 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट लेकर 11:10 पर रवाना होगी। सिरपुर कागज नगर 1:44 पर पहुंचेगी और 1 मिनट का हॉल्ट लेकर 1:45 पर रवाना होगी। बल्लारसा जंक्शन सुबह 4:05 पर पहुंचेगी और 10 मिनट का हॉल्ट लेकर 4:15 पर रवाना होगी। गोंदिया जंक्शन 7:40 पर पहुंचेगी और 10 मिनट का हॉल्ट लेकर 7:50 पर रवाना होगी। बालाघाट जंक्शन 8:43 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 8:45 पर रवाना होगी। नैनपुर जंक्शन 10:18 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 10:20 पर रवाना होगी। और दोपहर 12:40 पर कछपुरा पास करते हुए जबलपुर 1 बजे पहुंचेगी और 10 मिनट का हॉल्ट लेकर 1:10 पर रवाना होगी। कटनी जंक्शन 2:20 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट लेकर 2:25 पर रवाना होगी। मैयर 3:18 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 3:20 पर रवाना होगी। सतना 4:05 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट लेकर 4:10 पर रवाना होगी। मानिकपुर जंक्शन शाम 5:30 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 5:32 पर रवाना होगी। प्रयागराज छिपकी 7 बजे पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 7:02 पर रवाना होगी। और रात 10:25 पर जेवनाथपुर पास करते हुए
वाराणसी जंक्शन 11:10 पर पहुंचेगी और 10 मिनट को हॉल्ट लेकर 11:20 पर रवाना होगी और बनारस 11:35 पर पहुंचेगी। समय सारणी आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 1636 सीट बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल संगमम साप्ताहिक एक्सप्रेस बनारस से 4:20 पर चलकर वाराणसी जंक्शन 4:35 पर पहुंचेगी और 10 मिनट को हॉल्ट लेकर 4:45 पर रवाना होगी और 5:25 पर जेवनाथपुर पास करते हुए प्रयागराज शिव की 7:25 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 7:27 पर रवाना होगी। मानिकपुर जंक्शन 10:18 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 10:20 पर रवाना होगी। सतना 11:45 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 11:50 पर रवाना होगी। मैयर 12:20 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 12:22 पर रवाना होगी। कटनी जंक्शन 1:35 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 1:40 पर रवाना होगी। जबलपुर जंक्शन 3:30 पर पहुंचेगी और 10 मिनट को हॉल्ट लेकर 3:40 पर रवाना होगी और सुबह 4:00 कचपुरा पास करते हुए नैनपुर जंक्शन 5:32 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 5:34 पर रवाना होगी। बालाघाट जंक्शन 7:07 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 7:09 पर रवाना होगी। गोंदिया जंक्शन 7:55 पर पहुंचेगी और 10 मिनट को हॉल्ट लेकर 8:05 पर रवाना होगी। बल्लारसा जंक्शन दोपहर 12:40 पर पहुंचेगी और 10 मिनट को हॉल्ट लेकर 12:50 पर रवाना होगी। सिरपुर कागज नगर 2:40 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 2:42 पर रवाना होगी। वरंगल 5:05 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 5:10 पर रवाना होगी। खम्मम 6:18 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 6:20 पर रवाना होगी। विजयवाड़ा जंक्शन 8:40 पर पहुंचेगी और 10 मिनट को हॉल्ट लेकर 8:50 पर रवाना होगी। तेनाली जंक्शन 9:19 पर पहुंचेगी और 1 मिनट को हॉल्ट लेकर 9:20 पर रवाना होगी। ओंगोल 10:59 पर पहुंचेगी और 1 मिनट को हॉल्ट लेकर 11:00 रवाना होगी। नेलोर 12:15 पर पहुंचेगी और 1 मिनट को हॉल्ट लेकर 12:16 पर रवाना होगी। गुदुर जंक्शन 1:40 पर पास करते हुए पैम्बूर 3:45 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 3:50 पर रवाना होगी। अराकोडम सुबह 4:45 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 4:50 पर रवाना होगी। कांचीपुरम 5:28 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 5:30 पर रवाना होगी। चेंगलपट्टू 6:35 पर पहुंचेगी और 25 मिनट को हॉल्ट लेकर 7:00 रवाना होगी। विल्लुपुरम जंक्शन 8:25 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 8:30 पर रवाना होगी। कुंडलोर पोर्ट जंक्शन 8:20 पर पहुंचेगी और 1 मिनट को हॉल्ट लेकर 9:21 पर रवाना होगी। चिदम्बरम 9:50 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 9:52 पर रवाना होगी। सिरकाजी 10:08 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 10:10 पर रवाना होगी। महिला ततूरा 10:43 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 10:45 पर रवाना होगी। कुंभकोणम 11:13 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 11:15 पर रवाना होगी। तंजावुर जंक्शन दोपहर 12:20 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 12:22 पर रवाना होगी। तिरुचियापल्ली जंक्शन 1:20 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 12:25 पर रवाना होगी। डिंडोगल जंक्शन 2:42 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 2:45 पर रवाना होगी। मधुरो जंक्शन 3:35 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 3:40 पर रवाना होगी। विरुधुनगर 4:20 पर पहुंचेगी और 2 मिनट को हॉल्ट लेकर 4:22 पर रवाना होगी। तिरुनेलवेली 6:10 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 6:15 पर रवाना होगी। नागरकोइल जंक्शन 8:30 पर पहुंचेगी और 5 मिनट को हॉल्ट लेकर 8:35 पर रवाना होगी और कन्याकुमारी 9:00 पहुंचेगी। समय सारणी वीडियो में देख सकते हैं। ट्रेन की प्राइमरी मेंटेनेंस नागरकोइल में और सेकेंडरी मेंटेनेंस वाराणसी में की जाएगी। कोच कंपोजिशन में 1 फर्स्ट एसी, 2 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 3 एसी इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 1 पेंट्री कार, 4 जनरल, 1 एलएचबी सेकंड लगेज गार्ड एवं दिव्यांग कंपार्टमेंट और 1 लगेज जनरेटर ब्रेक वैन सहित कुल 22 कोचेस की एलएचबी ट्रेन रहेगी। दोस्तों इस प्रकार कन्याकुमारी बनारस व बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल संगम साप्ताहिक एक्सप्रेस शुरू हो रही है और यदि आप लोग इस ट्रेन में यात्रा वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर अपना वोट जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किस नए वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।